तो चलिए गाइस, मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। हमने शॉपिंग ज्यादा नहीं करी है, सिर्फ वन वीक के लिए कपड़े लेने थे। बाकी हमारी गाड़ी तो चल ही रही है। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चों की टेंशन रहती है, बच्चों को क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो मुझे आपको दिखाना है अनवीत का, ये है ब्लेजर, ये कुछ इस तरह से है। एक्चुअली ऑनलाइन जब मैं देख रही थी तो मुझे 5 to 6 ईयर में मिल रहा था, 4 to 5 ईयर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना छुट्टी वाले दिन ही हम चलते हैं VR पंजाब, वहाँ पे H&M है, तो हम वहाँ पे विजिट करके गए थे। तो मुझे ये 4 to 5 ईयर्स मिल चुका है। हमने इसको डलवाया और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। अभी इसके शूज़ की टेंशन है, फॉर्मल शूज़ नहीं है इसके पास। ये क्या खा रहे हो, 2 मिनट वेट करो। बिल्कुल, ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउजर कुछ इस तरह रोल करके दे दिए कपड़े, चलो प्रेस करने है। और ये है इसके साथ की व्हाइट शर्ट, और फिर संभाल ले मैं इसको ऐसी, उन्होंने भी ऐसी रोल करके दे दिए तो मैं ऐसे रख ली। और लिया मैंने ये वाली शर्ट अनवीत के लिए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, गर्मी के काम भी आ जाएगी और अभी जैसे मिड विंटर सी है तब भी इसके काम आ जाएगी। कुछ शॉपिंग है जो छोटी सी जो मैंने अपने लिए करी है, ज़्यादा तो नहीं, मुझे नेल पेंट्स लेने थे, वो मैंने लिए हैं, वो भी मैंने H&M के लिए हैं। अनवीत रुको, ये है 1, 2, 3, 4 नेल पेंट्स मैंने अपने लिए लिए हैं। इसको मत छेड़ना कलर के यूज में, ओके। को इसका मैं आपको शेड नंबर बताऊं, फिर सब कमेंट करके पूछते हैं शेड कौन सा है। एक ये वाला है और एक है ये वाला, दो शेड्स ये रहे। एक क्या चाहे रख दो, एक मिनट बेटा, बीच में इंटरप्ट नहीं करते। ये रहा, इतने सारे पॉलिश। यस, ये देखो मम्मा के नए पॉलिश। ये मैंने 4 शेड्स जो अपने लिए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, बाकी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कैसे हैं ये। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे आपको। आई होप आपने पुराने वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे। मैंने अभी 2 व्लॉग्स तो देख लिए थे, 2 नहीं देखे क्योंकि हम आज चले गए थे मार्केट और टाइम नहीं लगा देखने का। गाड़ी में तो वैसे भी नहीं देखा जाता, मुझे इतना हेडेक होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं देख पाती। हाँ जी बेटा, ये बाल में ला दो। नो नो, बाद में लगाएंगे, ठीक है, शादी के टाइम पे। चलिए करते हैं काम। सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी, मटर पनीर बनाया हुआ है और बस खाना ही बनाना है। आओ, ये बाहर पिया हुआ है ना, कोई नहीं मैं करती पाती हूँ, कभी बुलाया जो बथेरियां लगी हुई हूँ। तो अभी मम्मी ने दूध ऐसे रख दिया था, अभी मुझे दूध सारा सेट करना है, बॉइल करना है। पीछे से मम्मी को दिक्कत ना हो, फिर डैडी जी खाएंगे अभी दाल, क्योंकि उनको दाल ही अच्छी लगती है। दोपहर में उन्होंने पनीर खा लिया होगा तो अभी नहीं खाएंगे, उनके लिए मैंने दाल को तड़का लगा दिया। ब्याह भी होना तो अच्छा, आज रविदास जयंती है ना आप सबको, अभी मुझे याद है रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद भूल गया था, आज हमें छुट्टी भी इसीलिए थी। कभी पटाखे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कहीं शादी होगी, इतनी आज है रविदास जयंती। तो अनवीत पापा के पास बैठ जा, अड्डू पापा के पास चला जा अंदर, जाओ। अनवीत आज 1 मिनट भी सोया नहीं, गाड़ी में भी नहीं सोया, तो अभी मैं इसको थोड़ा, इसका लग रहा है कि इसकी सो जाएगा, तो इसको फटाफट से खाना खिला के हम सुला देंगे, क्योंकि इसकी डेली की हैबिट है, ये 2 बजे सो जाता है स्कूल से आने के बाद, 1 सवा 1 आता है, मम्मी इसको सुला देती है, तो 5-6 बजे आराम से उठता है, तो आज इसकी नींद डिस्टर्ब होगी। अनवीत चल पापा के पास, मैं फिर खाना दूँ तेरे को। खाने में होगा पापड़ गर्म, क्योंकि डैडी जी जो है वो पापड़ के शौकीन है, तो वैसे गर्म करते हैं अच्छे से नहीं होता, तो इसको ओवन में गर्म करती हूँ मैं, बहुत अच्छा पकता है हर साइड से। नींद आ रही तेरे को, खाना खा फटाफट बेटो, फिर तो भूख ही सो जाएगा। पनीर का नहीं लेना, मैं जिन्ने रू करती खाने, नहीं पता नहीं खाते, घर का हूं होया ना बाहर, डैडी के खाते, डैडी ने रू नहीं करते, नहीं तो डैडी तीसरे बोल लिया ने आके किन्ना किन्ना कर देते, घर का हूं पनीर होनी बस।
जिथे अंदर ही अंदर टूटी लगी माड़ी जी पानी की उठे गए थे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में आज हम क्या बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ मूली के परांठे, जो कि कल मुझे मम्मी ने मूलियाँ दी थी घर की अपनी फ्रेश फ्रेश मूलियाँ। तो हमारे तो यहाँ लगनी बंद हो गई हैं, तो मम्मी ने उधर लेट लगाई थी जिसकी वजह से उन्होंने हमें भी दिए। तो मैंने कहा क्यों ना आज गोभी वाले छोड़ के मूली वाले परांठे बनाते हैं। तो गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। सारा खाना मैंने प्रिपेयर कर दिया, उधर मैंने कपड़े लगा दिए धुलने के लिए, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ मैं डाल रही हूँ और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। सब नहा चुके हैं, मैं वेट करती रहती हूँ कि सब नहा लें, फिर सबको एक बार ही गर्मा गर्म खाना बनाते हैं। ये मैंने कर लिया है मूली का मसाला रेडी। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर छुट्टी वाले दिन क्या मोस्टली परांठे बनते हैं, हम लोग ही खाते हैं। आई थिंक जो भी पंजाबी लोग हैं वो मोस्टली संडे को परांठे ही बनाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सबको परांठे ही चाहिए। पंकज भी ये स्नैक मतलब ये जो लाइट फूड्स होते हैं बहुत कम प्रेफर करते हैं। अगर मैं सोचूं मैगी बना लूँ या कुछ पोहा बनाऊँ या फिर इडली बनाऊँ, सबसे पहले खाते हैं डैडी जी खाना। तो उनके लिए मैंने डाल लिया है, जो हमारी है वो कड़ कड़ के कुछ इस तरह से हो चुकी है। मेरा आज मन था कि इसमें ना मैं रेड चिल्ली ऐसे डालूं फ्राई करके, तो मैंने ये भी ऐड कर लिया। तो अभी खाना रेडी हो चुका है, ये मैं पहले डैडी आप दे दोगे पकड़ा दो बाहर। मम्मी कैसे? बढ़िया। राम राम। राम राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे, है ना। आज कंचन के ब्लॉग में आ रहे हो आप, पता? अच्छा। हाँ, मतलब कि अपने चैनल पे मम्मी की रसोई। और मम्मी की रसोई में मैक्सिमम किचन की कुकिंग करती है कंचन। नहीं जे रसोई है मम्मी की रसोई, तो किचन का ही रसोई का ही काम दिखाना। रसोई का इतना है ना, इसने पता क्या किया, मैं इसका वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। तो सुबह भी किचन में है, जो बीच की बातें होती है बहुत ही कम शेयर करती है कि हाँ भाई कुछ नॉर्मल होता है। कंचन व्लॉग देखेगी ना तो इसमें देखना क्या है, तुम परोठे बना रहे हो ठीक है अच्छी बात है, रेसिपी को अच्छी तरीके से शूट करवाओ पंकज जी से। दोपहर के बीच में आपने क्या किया बताया नहीं, सीधा आप किचन में चले गए कड़ी बना रहे हो। कड़ी चलो ठीक है अच्छी बात है, आपने खाने पीने की चीज को रसोई वाले काम को किया है, और कुछ शायद प्राइवेट टाइम भी होता है ना, नहीं डिस्कस करना चाहता, कड़ी बनाई। लेकिन कड़ी बनाने के साथ साथ आप कड़ी की रेसिपी को अच्छे तरीके से दिखा सकते थे, आपने कड़ी की रेसिपी को नहीं दिखाया। हुआ क्या ना, आपके एक्शन पे रिएक्शन में आपके व्लॉग में आपको ही दे रहा हूँ, कड़ी की रेसिपी को बताते हैं आप अच्छे से, सीधा कड़ी कड़ 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 कर रही है कड़ी, है ना। तो अच्छा था नो डाउट, धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूवमेंट लाओ। और जैसे सुबह खाना बनाया, दोपहर को क्या किया, ठीक आप सो गए होंगे जो कुछ भी कर रहे होंगे, जो कुछ अपना पर्सनल टाइम होगा, मी टाइम जिसे बोलते हैं, उसके बाद किचन में आप कड़ी बना रहे, दही दिखाओ, बेसन दिखाओ, क्या सामग्री आपने डाली वो सारी चीज़ें बताओ, तभी तो यार कड़ी दिखाने का बना है। ऐसे कट कट कर बना दी, अब लोग कैसे बनाएंगे बताओ यार। मैं कंचन तुमसे बात कर रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, चावल भी दिखा दिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, सुबह इसने परोंठे बनाए, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, भूल गई, ब्लॉग बनाया नहीं, इसने सीधा कड़ी पे आ गई और कड़ी को कड़कड़ करते दिखाई। हमारे मुंह में पानी तो आ गया कड़ी देख के, चावल देख के, क्योंकि आपको पता है आपके अंकुश को चावल और कड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली चावल, मेरे को पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं। और जो बीच का रोल था कड़ी का वो तो पता ही नहीं चला, वो आपके पास कंचन कंटेंट था, आप कड़ी बनाते बीच में ऐड करते। आपके ब्लॉग में मैं आपको ये समझा रहा हूँ और साथ ही साथ कि हमारी जो ऑडियंस है ना, इनसे कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने आपकी छोटी छोटी गलती पे आपको डांटते भी रहेंगे, क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि आप हमारे से ऊपर जाओ जल्दी जल्दी। और गाइस बस ये रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कंचन को और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए व्यूज़, ताकि इसमें भी कॉन्फिडेंस आए। बाकी आप लोग जो जो गलतियाँ बताते हो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे को कमी पेशी क्या लगी, जैसे कंटेंट था उसको खा गई बीच में, मैं छुपा के नहीं, क्योंकि कंचन ब्लॉग देखेगी, देख रही है ना, आई ना हंसी आई ना, तो बस यही चीज़ है ना। तो देखो कड़ी बना रहे थे, कड़ी को प्रॉपर शूट करवा थे, पंकज जी को बोलो ना ये शूट करे, हेल्प करे आपके, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना।
हाँ मिक्स कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस पता क्या होता है, घर में अकेला होता है, बच्चे को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, किचन काम। लेकिन क्या है कि कंचन पंकज जी को बाहर जाने से थोड़ा कम बोलो कि मेरे साथ शूट कराओ, रेसिपी को अच्छे तरीके से शूट करो, है ना, तो अच्छे से दिखाते। ये था, और मैं किसी के सामने सबके सामने आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, है ना, हम चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा ऊपर जाएं। और दूसरी क्या बात है, अपना क्या बात है, क्या बात है, भूल जाता है आपका हम कुछ बलकड़ा है, इससे नहीं कि हम कुछ बहुत समझदार, लेकिन एज ए ब्लॉगर जो चीज़ें मेरे को लगती है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें कवर करें, ताकि कंचन इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करे, और बस बाकी सब बढ़िया है। और हाँ, और ये जो ब्लॉगिंग होती है दो बंदों के बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तभी है ना ग्रो करते हैं, दोनों की टॉकिंग होती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ऐसा नहीं ये मेरा 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 नहीं, आप दोनों का है, और ऐसे ही मेहनत करिए और एक दूसरे की हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, बस यही बोलना चाहते थे। और आपके बिग ब्रदर होने के नाते हम आपको समझा रहे हैं, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे भी समझाते हैं हम आपको यहीं पे, क्योंकि फ़ोन पे समझाया हो तुम भूल जाओगे, कंचन तुमसे बात करो, लेकिन जो आपको वीडियो में समझा रहा हूँ ना, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, और देखिए ऑडियंस अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे आपको कि हाँ, लेकिन साथ ही साथ वे भी गाली निकालेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या हम कुछ बहुत बड़ा ब्लॉगर आ गया जो इसको समझा रहा है। चलिए गाइस, ये भाई बहन की नोक चोक होती है और ऐसी चलती रहेगी, और समझना समझाना, और बस गुस्सा ना करना है, ना करने देना है किसी को, बस जो चीज़ें अच्छी लगती है करना तुमने अपनी मर्जी का ही है, लेकिन ये चीज़ें थी, कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होती है समझाना चाहिए, वही चीज़ किया है एज ए बिग ब्रदर। तो फिलहाल मम्मी ने घंटी बजा दी, क्योंकि हमारे ब्लॉग में आपको घंटियाँ बजती मिलती रहेगी, फिलहाल मम्मी भी इस ब्लॉग में है, क्योंकि मम्मी का भी रोल होता था, आप लोग बोलते होते थे कि मम्मी का चैनल है, कंचन का अलग से बना दो, फिर मम्मी का तो ब्लॉग में मेरे ब्लॉग में भी आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कंचन के ब्लॉग में भी आएगा। एक्चुअली ये वीडियो आया था मेरे पास, एक्चुअली ये वीडियो आया वो था मेरे पास एडिट करने के लिए, मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम ही एंड करते हैं, क्योंकि डाटा भी नहीं था, जो हमारे दिल में बातें हम ब्लॉग के अपने ब्लॉग में भी बोल सकते थे, लेकिन हमने सोचा इसी ब्लॉग में बोले, क्योंकि अपना ब्लॉग जो होता है ना वो बंदा ज़्यादा ध्यान से देखता है, कंचन जो एडिटिंग करता है उसको इतना ध्यान नहीं होता, एडिटिंग मैं कर देता हूँ, और जो अब देखेगी ना इसको फिर ध्यान से सुनेगी, अपनी जो कमी पेशी होंगी, ऐसे नहीं कि कमी पेशी है कि नेगेटिव हो जाना है, अच्छा है, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं वहाँ पे दिखाने की कोशिश करनी, उसी से तो हम वॉच टाइम खींचेंगे, उसी से तो हम वीडियो को लंबा करेंगे। अब चीज़ देख लो, ये सारा मैं इतना बोल लगी हूँ क्योंकि 6 मिनट 8 मिनट का डाटा हुआ था, सारा बोल बोल के मैंने ये बढ़ाया है ना, इसे कहते हैं ब्लॉगिंग, कि बोलना है, बोलने वाला चाहिए। अभी मैं 3.5 साल का तो बोलना नहीं आया मेरे को, जब से बोला शनिवार है तब से लेके अब तक बोलते ही आ रहा हूँ, और एक मिनट भी आया था मेरे को ये इतना टफ वर्ड बोला। चलिए फिलहाल ऐसी हंसी नोक चोक हमारी चलती रहेगी ब्लॉग में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गोल गोल चक्कर आ जाएंगे, हम नहीं घूमेंगे, मम्मी बाय बाय करते सबको, आज आप करो है नहीं तो रोज कंचन करते थे सबको, बाय बाय, ऐसे ऐसे करते हैं, टाटा।